से दरवाजा बंद कर लो, कोहरे तो नहीं? जी हाँ। अच्छा, सुबह नहाने का पानी वानी मिल जाएगा ना? जी हाँ। भाई साहब, हाथ जल जाएगा सिगरेट से। मैंने कहा सिगरेट से हाथ जल जाएगा।
किसी ने सच कहा है, भोली भाली शक्ल वाले होते हैं जल्लाद भी। आपसे मिलिए, आप चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार होंगी। ये हुस्न, ये भोली भाली सूरत, ये शरीफाना अंदाज और उस पर तुर्रा, ये चोरी। बुराई किसी के चेहरे पर लिखी नहीं होती, शक्लो सूरत से तो सभी शरीफ दिखाई देते हैं। आप ही को लीजिए, आप पर कोई चोर होने का शक कर सकता है? जी क्या चोर? मैं तो यही एक बात कह रहा हूं। जी हाँ जी हाँ, देखिए ना साहब, कपड़ा ऐसी चीज है कि इंसान का हर ऐब छुपा देता है। बाज बातें जाहिरन कुछ नहीं होती, मगर गौर किया जाए तो उनमें बड़ी गहराई होती है। दूध लीजिए। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, लेकिन खुशकिस्मती से मैं अभी तक किसी शरीफ आदमी के हत्थे नहीं चढ़ा, हालांकि मैं शहर शहर घूमता हूं। हो सकता है या तो आप अपने कपड़ों में ज्यादा जेबें नहीं बनवाते होंगे, और या फिर बहुत सा रुपया लेकर साथ नहीं घूमते होंगे। अजी नहीं जनाब, आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो हजारों रुपए इसी जेब में लेकर सफर करता हूं। ताज्जुब है, आप इतना रुपया साथ लेकर घूमते हैं और अभी तक आपकी किसी ने जेब साफ नहीं की। चोर भी तो आखिर इंसान होते हैं, गैब का हल क्या जाने। बताइए, आप सारी रात इस कमरे में सोते रहे, आपको पता चला मैंने माल कहां रखा था? जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। किसी की जेब में क्या है ये कौन जान सकता है। गो के मैं इतना रुपया लेकर सफर नहीं करता, बटवा तो पूजा, आप भी मेरी जेब नहीं बता सकते। आप आदमी तो बड़े दिलचस्प मालूम होते हैं। आपका शुभ नाम? वैसे तो मेरा नाम चंद्रमोहन है, मगर लोग प्यार से चंदू कहते हैं। और कारोबार क्या करते हैं? बैंकर। बैंकर? जी हाँ, यही रुपए का हेर फेर, नहीं नहीं साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस भी करता हूँ। हमारे यहाँ जरा कारोबार ठंडा पड़ गया है, अब दोबारा बॉम्बे किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। मजे की बात यह है कि मैं भी इसी सिलसिले में बॉम्बे जा रहा हूँ। इरादा है कि बॉम्बे में ही बिजनेस किया जाए, अगर हम चाहें तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं, मदद तो मैं बचपन से करता आया हूँ, सोशल सर्विस यानी लोगों का बोझ हल्का करना, और मैं चाहता तो आपका बोझ भी हल्का कर देता। मेरा कहने का मतलब है कि बाज चीजें जाहिर में कुछ नहीं होती, मगर गौर से देखा जाए तो उनमें बड़ी गहराई होती है। जिस तरह की ये इलायची है, आपके लिए इलायची है, मगर समझदार के लिए मौत है। मेरा कहने का मकसद है कि जो चीज मुझे आसानी से मिल जाए, मैं उसके लिए टेढ़ा रास्ता इख्तियार नहीं करता। माफ कीजिए, मैं बहुत गहराई में उतर गया, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। मेरा नाम मोहन है। मोहन, बॉम्बे में आप किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरेंगे? जी नहीं, करीना होटल में कमरा रिजर्व करवा लिया है, रूम नंबर 419। रूम नंबर 419, तब तो जरूर मुलाकात होगी। जरूर साहब, इतने बड़े शहर में आप जैसे सेवक की हर वक्त जरूरत पड़ सकती है, और फिर ट्रेन में भी तो आपका हमारे साथ है। क्यों नहीं क्यों नहीं, चलिए गाड़ी का वक्त हो गया। लेकिन सामान? कूली ले आएगा। आई कर रहा हूँ, ना टैक्सी मिलती है और ना बस मिलती है। अरे ये बम्बई है बम्बई, अरे यहाँ तो चॉकलेट ऑमलेट और पापलेट से लेकर भाई बहन भी नकली मिल जाते हैं। कहिए क्या खातिर करूँ आपकी? खातिर तो भैया तुम कर चुके, अब ये बताओ ये धंधा कब से शुरू किया है तुमने? ये गाड़ी मोटर चलाने का? नहीं नहीं, ये मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे एक दोस्त की है, वो बेचारा बीमार है, मैंने कहा चलो जरा सैर कर लेंगे, जब अच्छा होता तो मोटर नहीं मिलती घूमने के लिए। कहो कहीं चलना है? कहीं नहीं भैया, चलो जरा होटल तक चलेंगे, चाय वाय पी ले। चाय वाय होटल में कहाँ, अरे हमारे दफ्तर में चलो, अच्छी चाय आपको पिलाएंगे और फिर वहाँ बिजनेस की बातें भी कर ले। चलो आप। ख्याल अच्छा है? बिल्कुल। बैठो बैठो। अरे यहाँ से बैठिए ना। क्यों भाई जेब में क्या देख रहे हो? अब जी मैं मोटर का हैंडल देख रहा हूँ। इतना बड़ा हैंडल जेब में कहाँ ढूंढ रहे हो? ये लो। ओहो,
माफ करना, जब मेरी मोटर खराब हो जाती तो मेरा दिमाग भी खराब हो जाता है। भाई साहब मिस्टेक मिल गई है, जरा इधर आना तो। भाई साहब जरा इधर आइए, मिस्टेक मिल गई, जरा ये वायर पकड़िए। क्यों बच्चू, हैंडल मारना भी नहीं आता, किसी अनाड़ी के शागिर्द मालूम होते हो। भाई साहब अनाड़ी का शागिर्द हूँ, इसीलिए तो चोट खाता हूँ, ये अपने बाप दादा का धंधा तो है नहीं। चलो भाई अब तो मोटर की मशीन ठीक हो गई, चलो ऑफिस चले। भाई साहब मोटर की मशीन तो ठीक हो गई, लेकिन अपने दिमाग का मशीन जरा खराब हो गया। उस्ताद मानता हूँ, बटवा दे दो नहीं तो उम्र भर तक मेरे दिमाग का मशीन खराब हो जाएगा। अच्छा लो बरखुरदार, मगर जरा सोच समझ के हाथ चलाया करो। गलती हो गई। हाँ उस्ताद आप, नहीं इधर नहीं, आप आगे ही बैठिए, मैं मोटर चलाता हूँ। मैं चलाता हूँ। आप बहुत घबरा गए हो तुम। चारों भूत चारों शैतान, उल्टी खोपड़ी उल्टा ज्ञान, पकड़ो उसी को जो न माने किसी को। जंतर मंतर प्रेम कबूतर, आधा तीतर आधा बटेर, भूत परित प्रेम की रीत, छू मंतर छू, अपरम पार बेड़ा पार, छू मंतर छू। आ हा 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 मैडम, क्या लक है तुम्हारी, क्या किस्मत है, गुड लक शाइनिंग स्टार। अच्छा, और क्या? अरे बस ये समझ लो कि तुम्हारी लाइफ या तुम्हारी जिंदगी में ना कोई काम है ना काज, बस आराम है और राज, हैप्पी लाइफ, नो वरीज। तुम्हारे को जीवन साथी मिलेगा, जीवन साथी यानी कि हस्बैंड, हमारा माफक, बिल्कुल हमारा माफक, काबिल आलिम आमिर विद्वान गुनी, और फिर चांद सूरज की किरणों की तरह आकाश से दौलत की बारिश होगी। मनुष्यगण, मैडम जल्दी काम पे लग जाओ, ग्राहक आ गया, कस्टमर आ गया, यानी कि खुराक आ गई। हेलो, हाँ 5,000, आइए अंदर आइए ना। हाँ अच्छा, 5,000 नहीं तो 6,000, रोकड़ा बिल्कुल रोकड़ा, आज नगद कल उधार, आइए ना अंदर, आ भी जाओ भाई। हाँ हाँ सब माल भेज दो, तुम माल भेज दो, हम माल भेज देंगे, तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। देखा मैडम, तकदीर भी झूठी घंटी बजाकर लाल झंडी दिखा रही है। ये मानुषगण क्या है? मानुषगण हमारी जबान, हमारी लैंग्वेज का लफ्ज यानी कि वर्ड है, जिसका मतलब है ह्यूमन स्मेल, यानी कि डियर जब हमारा कोई ग्राहक आता है ना तो हमें दूर से पता चल जाता है, यानी हमें खुशबू आ जाती है कि कस्टमर आ गया, ब्रेकफास्ट आ गया, लंच आ गया, डिनर आ गया, समझे डियर? ओ ऐसा है, हाँ समझा, समझ गया ना, तो आओ एक रोमांस का रिहर्सल हो जाए। मानसगन, आ हा हा हा, आकाश की ऊंचाई और देवताओं की रूहानी बुलंदी दोनों ने मिलकर आदमी का रूप धार लिया है, मकर राशि और चक्र राशि दोनों के साथ सूरज और चंद्रमा की टक्कर राशि से लाभ ही लाभ है। हाँ 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 बाबूजी बोलिए मत, बस ये समझ लो कि 4 खाने से 20 खाने तक धन दौलत हर एक चीज मिलेगी। अब कल की दूर किस्मत का सितारा जो उल्टी चाल चल रहा था, अब नाक की सीट में डबल मार्च कर रहा है। लाओ बाबूजी तुम्हारा हाथ। मेरी कांच, मेरे कांच का है? ये तो नहीं। तुम्हारे पास नहीं। क्या बात है, इधर कैसे पहुंच गई? अबे हाथ मैंने देखा है। मैंने भी देख लिया भाई। अबे गधे के सिंह, ये मानुष गन नहीं टॉमी गन है। टॉमी गन? भाई बराबर है, भाई बराबर है। हाँ हाँ मिम साहब टॉमी गन। उस्ताद ये हमारा पार्टनर है मिस्टर फासू, और ये हमारी प्रैक्टिस है मिस क्लोरोफॉर्म। आइए आइए बैठ उधर। ये हमारा पामिस्ट्री डिपार्टमेंट है, यहाँ हाथ की रेखा देखकर बता देते हैं कि इंसान का सत्यानाश यानी मानुष का सत्यानाश कितनी देर में हो जाने वाला है, और ये हमारा एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। सितारों, यहाँ के सितारे हमको फिर से बता दिए थे कि हिंदुस्तान में यानी हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में शुरू होने वाली है, ब्रिटानिया अमेरिका अफ्रीका सब हमको मानते हैं। आप बैठिए बैठिए बैठिए। कारोबार तो अच्छा है धासू और फासू, मगर इसे चलाने के लिए खास दिमाग की जरूरत है। इसमें दिमाग की क्या? अरे आप ही हमारे पार्टनर बन जाइए ना, एडवाइजर बन जाइए, प्रिंटर बन जाइए, एडिटर बन जाइए, कुछ ना कुछ सब तर बन ही जाइए, और ऐसी कोई तरकीब लड़ाइए कि कोई आसामी फंस जाए और फिर कुछ काम धंधा चलता रहे। हाँ ठीक है, तुम लोग मुझे उस्ताद मानो, तरकीब मैं बताता हूँ। मान लिया उस्ताद, मान लिया। हाँ सुनो। हाँ। बोलिए। मरीना होटल में सेकेंड फ्लोर पर, अच्छा रूम नंबर 419 में याद रख, एक मोहन नामी आदमी ठहरा हुआ है,
उसके पास 20,000 रुपए के हरे हरे नोट हैं। सूरज जी दादा, मेरे गैर हाजिर में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? जी नहीं। फंटू का क्या हाल है? साहब कमाल का आदमी है, इस सफाई से काम करता है कि किसी को शुबा तक नहीं होने देता। लेकिन कब तक? किसी न किसी दिन तो हाथ आ ही जाएगा। और कुछ? जी हाँ, खबर मिली है कि कुछ लोग बहुत सा सामान स्मगल करने वाले हैं। कौन लोग? इतना तो नहीं मालूम, खबर सिर्फ इतनी मिली है कि पुरानी चौक के बराबर वाली गली से सामान उठाया जाने वाला है। हम लोग रेट की पूरी तैयारी कर चुके हैं, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। अच्छा तुम मुझे कागजात दे देना। और हाँ, ये महाशय नए नए बम्बई आए, रास्ते में मेरी जेब साफ करना चाहते थे, मगर मैंने उनकी बेखबरी में ये फोटो ले लिए। देखें अभी बम्बई में क्या गुल खिलाते हैं। इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ की क्या बात है, मेरे लिए जैसे मोहन बेटा वैसे तुम। मोहन तो कल दिल्ली से वापस आने वाला था। हाँ, उसे आना तो कल चाहिए था, मेरे ख्याल से उसे कोई काम हो गया होगा। अंकल भैया आ गए। नमस्ते माताजी। जीते रहो। हेलो दर्जी। हेलो मोहन, क्या मालगाड़ी से वापस आए हो? क्यों? अरे भाई कल के बजाय आज पहुंचे हो। भाई पहुंच तो मैं कल ही गया था, मगर होटल में ठहरा हूँ। होटल में? सरकारी काम है माँ, नया मुर्गा फंसा है, दाना डाल दिया है, पकड़ने की देर है। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या तीर मारा है। तो सुनो, आते वक्त एक 420 से पाला पड़ गया था, भाई मेरी जेब साफ करना चाहता था। ये कौन सी बड़ी बात है? आदमी जरा खतरनाक है, मेरे साथ बॉम्बे आया है। मैंने उसे बताया है कि मैं बिजनेस करने के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ, इसलिए होटल में ठहरा हूँ, तो मैं भी उससे मिलाऊंगा। और भैया मेरे खिलौने? थारो लिए रेड इंडियन न्यू ड्रेस लायो हूँ। मारो रेड इंडियन न्यू ड्रेस? अयो भाई आइए आइए। नमस्ते जैसी जी, खुश रहो। हेलो मोहन। हेलो रूप। कल बहुत इंतजार दिखाया आपने। मजा तो इंतजार में ही है। मेरा दुपट्टा लाए? एक नहीं दो दो। अरे दासु ये रहा, इधर इधर खोल दरवाजा। भाई मैं, अरे इंग्लिश बोलता है। आइए मिस्टर संधू भाई, अच्छे वक्त पर आ गए, मैं अभी अभी बाहर जा रहा था आपसे मिलिए। ये हमारे दोस्त। ये मेरे पास कार्ड है, देखिए ये हमारा कार्ड है, इसमें टेलीफोन नंबर भी। बड़े इंटरेस्टिंग आदमी मालूम होते हैं जी साहब। ये हमारे दोस्त हैं, ये और हम दोनों मिलकर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बिजनेस करते हैं। आप चाहें तो आप भी शरीक हो सकते हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं तो रुपए इसीलिए लाया हूँ कि कहीं ठिकाने लग जाए। ठिकाने? तो मैं बक्सा ले आता हूँ। बक्सा? जी नहीं, वो रस्ते में से कोई बस खरीदना है, मैंने कहा बाद में खरीद लेंगे। तो आइए कोको कोला बिम्टो बिम्टो पीजिए। अच्छा फ्री है? खा के लिए। कोई बात नहीं, चलिए ना बाहर चलकर पिएंगे, आपको भी जल्दी है हमें भी जल्दी। आइए चलिए आइए आइए। सीमा जी माँ, जरा कैंची तो भेजा। अच्छा माँ। इसलिए मैट्रिक पास कराया है कि तू किताबों का कीड़ा बनकर रह जाए। इस किताब में किसानों और मजदूरों की मेहनत की सच्ची तस्वीरें हैं, हमारी जिंदगी है। समझ में नहीं आता माँ कि भगवान ने अमीर और गरीब क्यों बनाए हैं। कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे बेटा। नहीं माँ, कुछ नहीं सोचा। सोचा होता तो ये अन्याय का तूफान क्यों उठता। बस रहने दे, न जाने कैसी कैसी बातें करती रहती है। ले कपड़े ले जा, जाते जाते मोहन बाबू के घर देती जाना, और देख रास्ते में पिताजी मिले तो बात मत करना, समझी। माँ तुम्हारे पास सिर्फ दो ही काम रह गए हैं, दिन भर मशीन चलाना और फुर्सत मिले तो पिताजी को बुरा भला कहना। क्योंकि हमारी ये हालत तेरे पिताजी की बनाई हुई है, वरना घर में ईश्वर का दिया सब कुछ था। मगर माँ मुसीबत और तबाही से कहीं आत्माओं के बंधन टूटते हैं, हाथ में जख्म हो जाए तो उसे कटवा कर अलग तो नहीं कर देते। जख्म अगर नासूर बन जाए तो हाथ भी कटाना पड़ता है। मगर माँ पिताजी, बस रहने दे,
जाए कपड़े दे और देख सैली के घर मत पड़ जाना। हुँ? अच्छा क्यों बेटी को देखकर रुक क्यों गए? बात यह है मेरे दोस्त कि मैं पीकर उसके सामने जाना नहीं चाहता। मैंने उसकी माँ को कहाँ सुखी रखा जो इसे दुखी करूँ। तो क्या इस तरह खून का रिश्ता जुदा हो सकता है? आखिर वो तुम्हारी बेटी है, ये तुम शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देती? मैं तो इसे छोड़ना चाहता हूँ मेरे दोस्त, मगर ये छुटती ही नहीं। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि ये लोग सुखी रहें, मेरा साया तक भी इन पर न पड़े। आओ अभी चले। चलो माँ। माँ क्या हो गया? माँ कुछ नहीं बेटा। कितनी बार तुम्हें मना किया है कि ज्यादा काम काज मत किया करो, मगर तुम सुनती कहाँ हो। बेटा मैं तो तेरे लिए ब्लाउज सी रही थी। मुझे ब्लाउज की जरूरत नहीं, पहले अपनी हालत तो देखो। अच्छा अच्छा कपड़े तो दे आई ना? जी। तुम मोहन बाबू थे वहाँ? आज ही दिल्ली से वापस आए हैं। तुम दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर रहेगी। झोपड़ों में रहकर महलों के ख्वाब देखना पुरानी बात है माँ, तुम भी किस ख्याल में पड़ी हो, वो अमीर हम गरीब। मेरी तपस्या कभी बेकार नहीं जाएगी, मैं अपनी जिंदगी में सुख न पा सकूं। लेकिन तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। किसी अमीर घराने में चले जाने से गरीबी के दाग मिट जाएंगे? क्या मखमल में टाट का पेवन मालूम ना होगा? नहीं माँ, मुझे वो सुख नहीं सकेगा जो तुम चाहती हो। अरे पगली, जब तेरे पास चार पैसे होंगे तो सब तेरी इज्जत करेंगे। माँ एक बात मानोगी? कहो। तुम जो चाहो करो, मगर मेरी जिंदगी का सौदा मत करना। पगली कहेगी, माँ बाप कहीं अपने बच्चों की जिंदगी का सौदा करते हैं? क्या बात है, रेड करने की तैयारी हो चुकी है, ये उसी के कागजात है। कौन कौन साथ जा रहा है? यही आपसे पूछना चाहते हैं, किस किस को साथ ले जाए। 219 नंबर छुट्टी से वापस आ गया। जी हाँ। तो फिर भी साथ ले लो। और कितने आदमी चाहिए? ज्यादा ना हो तो अच्छा, फिर भी कम से कम चार आदमी तो होने ही चाहिए। सादे कपड़ों में जाना है ना? जी। तो फिर आप लोग जाइए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। सुंदरी कहाँ है? ठहरो मैं अभी बुलाती हूँ। हाँ मेरे साथ। सामान नीचे रख दो और सीधे खड़े हो जाओ। आइए ना अंदर। जी। अरे आइए, कैसे सुंदरे, इस बुलबुल के घोंसले में ये कौवे कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा मैं चलता हूँ, मगर खतरे की घंटी तो भी बजी रही है। साफ हो गया, मैं फिर कभी आऊंगा। अच्छा जरूर आइए। जरूर आऊंगा। आगे वहां से गोली चीनी के बाद। अरे मैं बेकसूर हूं। अरे मुझे छोड़ दो बाबा, मैं बेकसूर हूं। अरे मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूं यार, मुझे छोड़ दो ना। तो तुम नहीं बताओगे?
मैंने कह दिया कि जब तक मेरा वकील ना आए मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, वकील भी अभी आ जाएगा। देखिए साहब, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए? शायद आपको मालूम नहीं कि मैं प्रोप्राइटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, ट्रेड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, मजदूर सभा का खजांची हूँ, 3 फर्मों का मालिक और 1 बार शहरी हूँ। आखिर किस जुर्म में आपने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है? हाँ महाशय जी, मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ, मगर मेरा पूछना सिर्फ इतना है कि आप ये सब होते हुए उस बदनाम गली में क्या कर रहे थे? फिर वही बात, कह तो दिया है कि जब तक मेरा वकील ना आ जाए मैं किसी बात का जवाब ना दूंगा। मैं आ सकता हूँ? आइए, आप ही का इंतजार था। अगर इजाजत हो तो दूसरे कमरे में इनसे बातें कर लो। शौक से? चलिए चलिए वकील साहब, आइए। साफ साफ बताओ कि मामला क्या है। बात असल ये है कि मैं अपनी बीवी से ये कह करके आया हूँ कि मैं पूना जा रहा हूँ। अगर उसे ये मालूम हो गया कि रात को मैं कहा था तो ये एक मुसीबत। फिर दूसरी, अगर अखबारों में ये बात आ गई कि प्रोप्राइटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, ट्रेड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, मजदूर सभा का खजांची और फला फला 3 फर्मों का मालिक इस गली में पकड़ा गया तो मेरी क्या इज्जत रहेगी वकील साहब? ये तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन ये बताओ कि उस गली में खून किसने किया? वहां बहुत अंधेरा था, मैं तो कुछ देख भी नहीं सका। बस, वहां बहुत अंधेरा था और मैं कुछ देख नहीं सका, इस बात को याद रखना। रखूंगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, और अगर ऐसी वैसी कोई बात कही तो मैं जिम्मेदार नहीं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो बिल्कुल चुप रहूंगा। अच्छा चलो चलिए वकील साहब। मिस्टर मोहन, वहां अंधेरा था और ये कुछ देख ही नहीं सके, आपको क्या बता सकते? आप इन्हें छोड़ दीजिए या इनकी जमानत ले लीजिए। मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता, अगर आप चाहें तो कोर्ट में जमानत दे सकते हैं। कल इतवार है, कोर्ट बंद रहेगा, उस वक्त तक इनका क्या होगा? और उस गरीब सिपाही का क्या होगा जो जिंदगी के आखिरी साथ गिन रहा है? अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो इनके अलावा मुलजिम को पहचानने वाला दूसरा कोई आदमी नहीं है। तो आप इन्हें यहाँ कब तक रखेंगे? जब तक ये पूरी बात न बताए। तो मुझे इस मामले की शिकायत बड़े अफसरों से करनी होगी। मिस्टर बिहारी, अगर आप ये समझते हैं कि बड़े अफसरों पर आपका कुछ असर है तो वहां भी कोशिश करके देख लीजिए, कुछ ना होगा। अच्छा, आप ये बताइए, आप इन्हें मुलजिम तो नहीं समझते? मैंने ये कभी नहीं कहा। अगर हम नक जमानत दाखिल कराना चाहें तो? नक 50,000 रुपए की जमानत चाहिए। आप फिक्र न कीजिए, मैं आपको अभी छुड़ा कर ले चलता हूं, मैं जमानत के रुपए अभी लेकर आता हूं। बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, वकील साहब आते ही होंगे। लीजिए, वो आ गए। मैंने जमानत के पैसे कैशियर के पास जमा कर दिए। सूरज, इनके कागजात तैयार हैं? जी हाँ तैयार। आप यहाँ साइन कीजिए और आप भी। अच्छा जी, बहुत अच्छा। लीजिए लीजिए, अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सुनिए, आइए मैं आपको घर पर छोड़ा हूँ। ना 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 ना, मैं अपनी बीवी से ये कह के आया हूँ कि मैं पुणे जा रहा हूँ, आपके साथ जाने से मुझे कोई फायदा नहीं। आप मोटर में जाइए, मैं किसी टैक्सी में आ जाऊंगा। निकल गए वकील साहब, लेकिन अभी तक तो यहां नहीं पहुंचे। मिस्टर मोहन, ये क्या मजाक? मैं क्या करूं, मालूम होता है इन्हें ये जगह बहुत पसंद है। मेरी समझ में नहीं आता, जब मैं इनकी जमानत दे चुका हूं तो आपको दोबारा इनको गिरफ्तार करने का क्या हक? ये तमाम बातें आप इन्हीं से पूछ लीजिए। मैं इनसे नहीं, आपसे पूछना चाहता हूं। ना मालूम आप लोग अपने आप को क्या समझ बैठते हैं, जिसे चाहे पकड़ लिया, जिसे चाहे बेइज्जत कर दिया। आप लोग अपने को पुलिस नहीं भगवान समझने लगते हैं। मिस्टर बिहारी, यही तो बाज लोगों की भूल है, पुलिस वाले अपने को भगवान नहीं जनता का सेवक समझते हैं। हम लोग न दिन देखते हैं और न रात, जनता की भलाई के लिए किसी वक्त भी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार रहते हैं। आप कानून इसलिए पढ़ते हैं
कि जनता को समाज के उन दुश्मनों से बचाएं जो कि हर वक्त उन्हें परेशान करते रहते हैं। आपका और हमारा मकसद एक ही है कि अमन कायम रहे, सिर्फ काम करने के ढंग अलग अलग हैं। आप ठीक कहते हैं, आप पूछिए, जो कुछ मैंने देखा है वो सब बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। फरमाइए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक बाइज्जत शहरी जी, आप कानूनी तौर से हर तरह की तसल्ली कर ले, अगर मुमकिन हो सके तो इनका नाम अखबार में ना आने दीजिए। मेरी इल्तिजा यही है। मैं कोशिश करूंगा। आप जो चाहे पूछ सकते हैं। तो आइए, मैंने शुबे में कुछ गिरफ्तारियां की हैं, अगर आप मुलजिम को पहचान सके तो पहचानिए। चलिए। कोई अंदर आए? कोई नहीं है। अबे तू खूब था आप, चलो अच्छा हुआ, नहीं तो आज बारह के भाव में चले जाते। अबे चप्पू, जो काम करेगा उल्टा सीधा करेगा, खुद भी डूबेगा और मुझे भी साथ ले डूबेगा। तो अच्छी बात है, अखबार में नाम आएगा। क्या खाक अच्छी बात है, मोहन कहाँ है? मोहन मुझे क्या मालूम, मैं तो आपको मोहन समझ के इस कबाड़ के अंदर बैठ गया था। माफ करना चंदू, मुझे जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, इनसे मिलिए, ये मिस्टर दलजीत। आपसे मिलकर बड़ी खुशी। और ये मिस्टर चंदू, सोशल वर्कर, दूसरों का बोझ हल्का करने में अपने जीवन की मुक्ति समझते हैं। और ये है श्रीमान धांसू, एफटी माने फ्री टॉकर, बात करने के पैसे नहीं लेते। आपसे मिलकर बड़ी खुशी। आपसे मिलकर भाई चंदू, 7 तारीख को मेरी सालगिरह है, इन्हीं के घर मना रहा हूँ, आप जरूर आइएगा। जरूर हाजिर होंगे। और आप भी। अच्छी बात। हाँ नहीं, 7 तारीख को तो मेरा एक बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट है। आपका सालगिरह जरा इधर उधर नहीं हो सकता? भैया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस नहीं कि रुपया इधर का उधर हो जाए। ओ नहीं नहीं, हम जरूर हाजिर होंगे। ऐसा हो तो ठीक होगा मेरे ख्याल से कि हम यहाँ आ जाएं और इकट्ठे चलें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? चलो धासु, अब चलते। अच्छा साहब, आपसे भी बड़े। ये धासु महाराज भी इसी का साथी है। चंदू दिन ब दिन अपनी टोली बढ़ा रहा है। मालूम तो ऐसा ही होता है। और ये भी याद रखो, या तो चंदू फंटू से मिलता है या आजकल में मिलने वाला है। तो फिर मैंने सूरज को पीछे लगा दिया, खुद ब खुद पता। जल्दी करो। हेलो, 5,000? अच्छा 5,000 नहीं तो 6,000, रोकड़ा, बिल्कुल रोकड़ा, आज नगद कल उधार। आ जाओ भाई, आ जाओ अंदर, आ जाओ। ओ देवी, आइए आइए, इस तरफ आइए आइए। अप्सरा जैसा रूप, चंदा जैसा रूप, पूरब उत्तर दक्षिण आदि छाया आदि धूप। देवी तुम्हारी गिला खुल गई, पापी का नाश होगा, गम दूर हो जाएगा। देवी तुम गृहस्थी के दुखों में कितनी दुबली हो गई हो, मगर तुम्हारी दुर्दशा ठीक हो जाएगी। लाओ देवी तुम्हारा हाथ। जल्दी निकल भाई। आओ हो बृहस्पति शुक्र शनि अनि बनी सूरज चंद्रमा। नहीं नहीं देवी, तुम्हारे हिप्नोटिज्म का है, तुम उस डिपार्टमेंट में चलो। चलो देवी, सर खुजाने की जरूरत है, बैठ जाओ। ये बात इधर संभाल के, कुर्सी एक ही है। हाँ अब आंखों में आंखें डाल के मेरी तरफ देखो। इधर इधर। हाँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुम सो जाओ, बिल्कुल सो जाओ। अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें जवाब दे जाएगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी आत्मा जवाब देगी। आंखों में आंखें डालो, ऐ आत्मा बता, तूने कितनी दफा चोरी की? ये तो नहीं सोई देवी, तुम्हारा केस बहुत सीरियस है। मेरा मतलब है हिप्नोटिज्म की छोटी बहन मिसमेरिज्म का है, तुम इस डिपार्टमेंट में आओ। आओ देवी। मैडम बैठ जाओ, देवी बैठ जाओ। बैठ जाओ। मिसमेरिज्म, शुरू सुंदर, मस्जिद बंदर, बोरी बंदर, तुम भी सुंदर, हम भी सुंदर, अंधेरी अंधेरी, हेरा फेरी चीज, टोकली
सिंस पोप लिखा। अढ़ाई दिन से भूखी हूँ बाबू, निकाल चार पैसे। ओ, ओ, अरे चार पैसे तुमको, चार पैसे मुझको, चार पैसे गरीब को, चार पैसे अमीर को, चार पैसे दुनिया को, चार पैसे की जरूरत है। ओ, 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 मर गए। भूखी आत्मा चार पैसे मांगती है। अरे माई, चार पैसे के लिए तो ये इतना बड़ा कबाड़ा कर रखा है। ये लो चार पैसे लो और पीछा छोड़ो मेरी माई, हवा ने दो। बहुत भारी हाथ था मैडम। दो चार ग्राहक यानी कि कस्टमर अगर ऐसे और आ गए तो अपना तो तपीला। ओ, अच्छा उस्ताद तुम आ गए, ए जल्दी से अपना हिस्सा निकालो। अबे छुरी के नीचे दम तो ले, अभी तो वहां जाना है, जब माल आ जाएगा तो हिस्सा दे दिया जाएगा। कहाँ जाना है जल्दी बताओ, वरना हार्ट फेल होकर पास हो जाएगा। अबे पटेल के बच्चे, मोहन की सालगिरह में जाना है, पहले खाता लेकर आ। ओहो खाता प्लीज। आ लो ये देखो, 5 रुपए तेली, 2 रुपए नाई, 3 रुपए हजाम और 10 रुपए मस्का। ये 10 रुपए मस्का का है। अब आप तो जानते हो उस्ताद कि दुनिया में बगैर मस्के के कोई काम नहीं चलता, जैसे रेल बगैर पहिए के नहीं चलती। नहीं बात है, नहीं नहीं एक बात है, यानी 10 रुपए का मस्का। एक हाथ क्या है आजकल चंदू फंटू से बहुत ज्यादा मिलता है, मालूम होता है कोई नई स्कीम बन रही है। मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने रॉयल होटल में भेज बदल कर नौकरी कर ली है। तो क्या उस होटल का मालिक भी फंटू से मिला हुआ? नहीं, फंटू होटल का मैनेजर सिर्फ इसलिए बना हुआ है कि उसके कामों पर पर्दा पड़ा रहे, और मैंने वहां इसलिए नौकरी की है कि उस पर निगाह रख सकूं। तो क्या आप फंटू के होटल में काम करेंगे? तुम लोग कल रात को होटल में आना, फिर देखना मैं क्या करता हूं, मगर किसी को शक न हो कि तुम मेरे आदमी हो। बहुत अच्छा। क्यों मुझे देखकर तकलीफ हुई बाबूलाल ठाकर? मेरा नाम बाबूलाल ठाकर नहीं, फंटू है। फंटू फंटू सही, क्या फर्क पड़ जाता है, मुझे पहचाना? मगर तुम बंबई में कैसे? क्यों तुम बंबई में आ सकते और मैं नहीं आ सकता? बगैर किसी मतलब के तुम यहां आने वाले नहीं। बहुत समझदार मालूम होते। हाँ मैं बख्शी की तलाश में भी आया हूं, जो 5 बरस से मेरे बच्चे को लेके कहीं गायब है। तो फिर मेरे पास क्या करने आए हो? दोस्ती का हक अदा करने। मिस्टर ठाकर, दिल्ली वाले डाके का माल पूरा का पूरा हजम कर लेना इतना आसान काम नहीं। क्या बकते हो, दिल्ली के डाके से मेरा क्या वास्ता? क्या मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? ब्लैकमेल शरीफों को किया जाता है, तुम जैसों को नहीं। अपनी खैरियत चाहते हो तो फौरन वापस चले जाओ, वरना पुलिस को इतला कर दूंगा। जरूर जरूर पुलिस को इतला कर दूं। मेरा ख्याल है कि आजाद रहते रहते घबरा गए हो, और फिर ये तकलीफ भी तुम क्यों उठाओ, ये सेवा भी मैं ही किए देता हूं। तुम भूलते हो फंटू से मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं। आइए आइए आइए। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बात में कोई कोई बात नहीं, हम तो यूं ही एक ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे। गुड गुड। अरे हाँ आप से मिलिए, आप है मिस्टर किशोर खंडवा वाला। प्लीज टू मीट यू। आज हमारे होटल में प्रोग्राम दे रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है। क्यों नहीं, जरूर देखा होगा, अक्सर मैं होटलों में प्रोग्राम क्या करता हूँ, और आज इस होटल में भी प्रोग्राम करूंगा, आप जरूर आइएगा। हाँ हाँ जरूर हाजिर होऊंगा अगर वक्त हुआ था। अच्छा तो बाकी की रिहर्सल कल? कल। बैठिए मिस्टर किशोर खंडवा वाला। छन 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 बजे रुपया, नाचे दुनिया, चार पैसों का खेल है दुनिया, माने कोई न माने भैया। छन 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 बजे रुपया, नाचे दुनिया, चार पैसों का खेल है दुनिया, माने कोई न माने भैया। चार पैसे हो पास तुम्हारे, जहाँ भी तुम जाओ, तुम
तुमको देखे दुनिया सारी बाबूजी कहलाओ, चार पैसे हो पास तुम्हारे जहाँ भी तुम जाओ। तुमको देखे दुनिया सारी बाबूजी कहलाओ, हलवा खाओ पूरी खाओ खाओ नान खटाई, पेड़ा खाओ बर्फी खाओ इसी के सब है भाई। जिसका पैसों से मेल वही खेले ये खेल, जिसका पैसों से मेल वही खेले ये खेल। छन 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 बजे रुपया नाचे दुनिया, चार पैसों का खेल है दुनिया माने कोई न माने भैया। कहीं पे डाका कहीं पे चोरी चोरी उस पर सीना जोरी, कहीं पे डाका कहीं पे चोरी चोरी उस पर सीना जोरी। करते हैं फिर पेश सफाई पहन के सूट और लगा के टाई, देखो जी ये हाथ सफाई हो गई अपनी चीज पर आई। छन 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 बजे रुपया नाचे दुनिया, चार पैसों का खेल है दुनिया माने कोई न माने भैया। बूट पहन कर चलना सबको ये सिखलाता, जिसकी जेब हो खाली बाबू कड़का वो कहलाता। बूट बूट पहन कर चलना सबको ये सिखलाता, जिसकी जेब हो खाली बाबू कड़का वो कहलाता। जिनके पास हो पैसे था ऊंचा बंगला मोटर का, हाल न पूछो उनका यार सच्ची बात है सरकार। कोई टैक्स का बीमार कोई रेत का शिकार, कोई टैक्स का बीमार कोई रेत का शिकार। छन 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 बजे रुपया नाचे दुनिया, चार पैसों का खेल है दुनिया माने कोई न माने भैया। छन 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 बजे रुपया नाचे दुनिया, चार पैसों का खेल है दुनिया माने को। जरासीम पैदा हो गए हैं, सड़ गया तो अब वो नहीं आएगी। रोमांस को सड़ा हुआ समझकर गटर में फेंक दो। नहीं आएगी, मैं उसे बुलाकर लाऊंगा। अभी हमारा रोमांस घुटनों चलता हुआ बालक है, जब तक ये बालक जवान न हो जाए उसे आना पड़ेगा। कह तो दिया कि नहीं आएगी, हुजूर ने जो चार महीने की तनख्वाह नहीं दी गई अब वो खाक आएगी। तू क्या रोमांस की भी तनख्वाह दी जाती है? आहा, देवी देवताओं के आशीर्वाद की तरह बेगरज, तकदीर की लकीरों की तरह मासूम, किस्मत के सितारों की तरह रोशन। ज्यादा मत देखो इस तस्वीर को, बहक जाओगे। ख्यालात में असलियत जरूर है। सीमा सोचता हूँ कि शादी कर लूँ, ताकि जब थका मादा काम से वापस आऊँ तो दरवाजे पर किसी की मुस्कान देखकर सारी थकान दूर हो जाया करे। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा है। तुम आजी से पूछ लो। जरूर, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। मगर माता जी मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ और तुम माता जी को राम करने की तरकीबें सोचो। देर तक घर से बाहर मत रहा कर बेटी, जमाना अच्छा नहीं है। जरा देर हो गई माँ, सारा सारा दिन सहेलियों के घर गुजार देती है, फिर भी तेरा जी नहीं भरता। मोहन की माँ तुझे कितने प्यार से बुलाती है, कभी उनके घर भी तो चली जाएगा। हमारी दुनिया और उनकी दुनिया का कोई संबंध नहीं माँ। मैं तो सोच रही हूँ कल मोहन की सालगिरह पर भी ना जाऊं। क्यों? वहां पर हर चीज की नुमाइश होगी, रेशमी लिबास, कीमती मोटरें, चमकदार जेवर। और नहीं बेटा, तुम्हें इस खुशी के मौके पर जरूर जाना चाहिए। कितना अच्छा हो कि तुम दोनों। फिर वही बात, तुम्हें मालूम तो है माँ कि मोहन की मंगनी रूप से होने वाली है। मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए, मैं मोहन की नजरें पहचानती हूँ। जाओ खाना खा लो। अच्छा,
ना? आज की पार्टी में मजा आ गया क्यों? अच्छा नमस्ते मोहन बाबू, अब होटल चलें? अब मैं बाद में आऊंगा जरा दोस्तों के साथ। हाँ हाँ जरूर, इन्हें साथ लाइएगा। जरूर। नमस्ते भाई, मजा आ गया। अब क्या प्रोग्राम है? जो पंचों की राय। मोहन साहब हमें इजाजत दीजिए क्योंकि अब ड्यूटी पर जाना है। जरा संभल के, वो लोग बड़े खतरनाक हैं। बहुत सुख, आप फिक्र ना कीजिए। नमस्ते। 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 मोहन सीमा क्यों नहीं आई? हम उसे आना तो चाहिए था। खैर कोई काम हो गया होगा। माफ करना जरा देर हो गई। क्या बात है, कोई नजर नहीं आ रहा? क्या सालगिरह की पार्टी अभी तक शुरू नहीं हुई? नहीं, तुम जरा जल्दी आ गई। पार्टी शुरू होने में अभी एक साल बाकी है। है? एक साल बाकी है? हाँ हाँ, आज की पार्टी तो खत्म हो गई, अब दूसरी पार्टी अगले साल होगी। ओह समझी, सालगिरह मुबारक। शुक्रिया। चलो आप कुछ खा लो पी लो। हम बच्चा कच्चा नहीं खाते। तो चलो तुम्हें ताजमहल होटल की सैर कराएं। अगर बाहर ही ले जाना है तो मुझे नुमाइश ले चलो। सुना है वहाँ पर एक आदमी 100 फीट की ऊंचाई से पानी में कूदता है, बस वही देखकर वापस चले आएंगे। वाकई चलना है? और नहीं तो क्या, झूठ मूठ। जल्दी चलो, देर हो गई तो बेकार है। सुना है वो प्रोग्राम ठीक 8 बजे शुरू होता है। चलिए आइए, नजदीक आइए। अब आपको दुनिया का सबसे अजीबोगरीब तमाशा दिखाते हैं। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, क्रिकेट का देखा होगा, गुड़िया गुड्डे का खेल देखा होगा, मगर मौत का खेल नहीं देखा। हमारा ये नौजवान 100 फुट की बुलंदी से मौत के कुएं में गोता मारेगा। खतरनाक खेल है जिसे देश का पत्थर का कलेजा पानी हो जाए, बड़े बड़े पहलवानों को बुखार आ जाए, मगर हमारा ये नौजवान इसे बाएं हाथ का खेल समझता है। दोनों हाथों से कलेजा खान लीजिए, दिल को मजबूत कर लीजिए, ऐसा ना हो। खबरदार, होशियार। आज बहुत पी रखी है? कहाँ पी है, थोड़ी सी पी है। कुछ हमारे लिए भी बंदोबस्त किया? पानी बहुत ठंडा है आज। आप ये चीज कहाँ पीते हैं? ये तो मेरे लिए है, मेरे लिए। निमोनिया होने का डर है, कुछ ना कुछ करके रखना। बंद क्यों नहीं करवा देती? अगर ये कहीं गिर गया तो? गरीब को पेट भरने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। कोई जरूरत नहीं, चोट कुछ ज्यादा नहीं आई। कब तक ठीक हो जाएंगे? फ्रैक्चर है, थोड़े दिन के लिए इन्हें अस्पताल में रहना ही होगा। डॉक्टर साहब अगर किसी खास दवा की जरूरत हो तो मंगवा लीजिएगा, खर्च मैं बर्दाश्त करूंगा। मोहन बाबू आपने तो पहले ही, आप ज्यादा मत बोलिए, इन्हें आराम करने दीजिए। आप आराम कीजिए, हम लोग फिर आ जाएंगे। आप सीमा चलिए, मैं आती।
बेटा मैं कितना बदनसीब हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। आप आराम कीजिए पिताजी। परेशान कैसी तबीयत से पिताजी? ठीक है। इन्हें हुआ ही क्या है? कार्निवाल में काम करते करते थक गए, यहाँ आराम करने चले आए। आप हर वक्त इसी तरह मजाक करते रहते हैं। अपनी तो जिंदगी ही एक मजाक है, न जाने कब खत्म हो जाए। वो कैसे? काम ही ऐसा है, रोजाना जिंदगी और मौत का सवाल पैदा होता है। पिताजी रात कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, सारी रात आराम से सोया रहा। लेकिन माता जी रात भर नहीं सो सकी, कुछ कहती रहती हैं। अच्छा साहब हम चल दिए, रात को 8 बजे फिर मौत के कुएं में कूद रहा हूँ। अगर जिंदगी और मौत का तमाशा देखना हो तो चली आना 8 बजे। हाँ। ये लड़का अच्छा नहीं है बेटा, इससे ज्यादा मेलजोल ना बढ़ा लेना। मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती पिताजी। बुराई किसी के माथे पर नहीं लिखी होती। आइए मोहन बाबू। कैसी तबीयत है आपकी? भगवान की दया और तुम्हारी कृपा से अच्छा। सीमा तुम कब आई? काफी देर हुई। मोहन बाबू आपने हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाई, मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात ही नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा फर्ज था। बैठिए ना। अभी तो माफ कीजिए, मुझे ऑफिस जरा जल्दी पहुंचना है। मोहन मुझे जाते हुए मार्केट तक छोड़ते जाओगे? चलो। पिताजी मैं चलती हूँ, नमस्ते। सुखी रहो बेटा। मैं हूँ लेकिन हवाइयाँ तुम्हारे चेहरे पर क्यों होने लगती हैं? शायद रात में आपको कुछ ज्यादा नजर आने लगा है। कुछ ऐसा ही है, आंखें जो चार हो गई हैं। रोशन तुम्हें खुद डर नहीं लगता? तुम कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? सोचा तो मैंने भी कई बार, मगर कभी अपने इरादों में कामयाब ना हो सका। क्यों? जितने भी आदमी आज तक मुझे मिले सब गलत रास्तों पर डालने वाले, और अगर एक आध बार कोशिश भी की तो यार लोग फिर उसी रास्ते पर ले आए। अगर अब कोई और कोशिश करे तो? अब तो इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है कि जिस दिन कभी ऊपर से गिर पड़ा तो ये भी महसूस ना होगा कि चोट कहाँ आई है, आराम की मौत। फिर वही बात, अगर तुमने ऐसी बातें की तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा, बड़ा दर्द है मेरे लिए तुम्हारे दिल में। एक बात पूछूं? कहो। तुम्हें देख के न जाने क्या क्या ख्याल दिल में आने लगते हैं। सोचता हूँ कि काश मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकता। अगर कोशिश करो तो क्यों नहीं बदल सकते? मेरे इरादे कच्चे धागों की तरह टूट जाते हैं। तुम जैसी कोई लड़की चाहे तो मेरी जिंदगी सुधर सकती है, लेकिन मेरी किस्मत मोहन बाबू जैसी कहाँ। लेकिन मोहन बाबू से तो ओह बहुत देर हो गई, अब मैं चलती हूँ।
जंतर मंतर प्रेम कबूतर आधा तीसरा आधा बटेर छू कुछ हुआ नहीं। ओ अच्छी बात है। चारों भूत चारों शैतान उल्टी खोपड़ी उल्टा ज्ञान पकड़ उसी को जो न माने किसी को छू। अब हुआ नहीं। कमाल है इसे ट्राई करो। ओह थैंक यू। चारों भूत चारों शैतान ओह मानुष गन क्या खराब टाइम के ऊपर आया जल्दी काम पे लग जाओ। ओह हेलो पांच हजार। अच्छा 5000 नहीं तो 6000 रोकड़ा बिल्कुल रोकड़ा आज नगद कल उधार। अरे भाई अंदर आओ ले जाओ। और उत्तम की शान सौरभ ज्ञान अर्जुन की बाण गुरु का ज्ञान चेले का ध्यान अखाड़े की जान ऊपर जमीन नीचे आसमान वाद धरती पटक पहलवान। तुम्हारे माथे की रेखा बता रही है कुश्तियों के दंगल में तुम दारा सिंह को भी हरा दोगे और अगर फ्री स्टाइल कुश्ती हुई तो तीसरे राउंड के बाद पांचवे राउंड में हिंदुस्तानी चैंपियन बनकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाओगे। लाओ पहलवान तुम्हारा हाथ। अरे 5000 रुपए का बात करता करता था उस 5000 रुपए में से हमको दो। अरे वरना ये याद रखो ये शूट कर दूंगा मेरा गोली। पहलवान रॉन्ग नंबर प्लीज रॉन्ग नंबर यानी कि गलत मकान गलत हाउस। ये तो ऑफिस है पहलवान ये मारवाड़ी की दुकान नहीं इधर पैसा कहां से आएगा। हम बिल्कुल कुछ नहीं जानता तुम्हारे ऑफिस का हूँ कल से मैं भी भूखा हूँ। चार पैसे हो गए तो निकालो कुछ मस्त का पाव चा पानी मिला के थोड़ा नाश्ता कर ले रहे पहलवान। एक बात है नहीं तुम हमको बनाता नहीं था। नहीं 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 फोन में 5000 रुपया यू टॉकिंग वो तो हर गिलाफ को बोलता है पहलवान। मैं पैसे लाता हूँ दुनिया के जिंदा और मुर्दा पहलवान की जय। डियर अब इस कचरे को बाहर डाल देना चाहिए ऑफिस भी साफ हो जाएगा। है इसके पॉकेट में पिस्टल है। पिस्टल डेंजरस वेरी डेंजरस निकालने को मांगता। केला तारों की छाँव में प्यार करें
वक्त का ये मजाक नहीं। ये मजाक नहीं, 2 सेकंड के बाद तुम्हारा तीसरा वादा भी हंदू से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मगर ये मामला क्या है? ये एक लंबी कहानी है ठाकुर। तुम जानते हो कि मजबूरी ने मुझे मुजरिम बना दिया। मेरा एक बच्चा और मैं नहीं चाहता था कि मेरा साया उस पर पड़े, इसलिए मैंने काफी रकम के बच्चे को बख्शी के हवाले कर दिया ताकि वो उसकी परवरिश करे। न बख्शी का पता है और न बच्चे का। तो ये बात है और तुम अब पता भी न लगा सके। तुम जानते हो कि बख्शी अगर नरक में भी चला जाएगा तो मैं गिरेबान से पकड़ कर खींच निकालूंगा। मैं जानता हूं। अच्छा लो ये सिगरेट और गुस्से कुएं में उड़ा दो। सिगरेट मैं अपनी पिया करता हूं। माचिस। नहीं भाई रॉन्ग नंबर है, ये धातु फासू डिपार्टमेंट है। कट करो कट करो। देखो डियर, हम अर्जेंट काम से बाहर जाता है, तुम उसके साथ बात नहीं करने को मांगता। क्या? कौन? अरे वही झोल घोल माल ऊट की गर्दन भैंस की चाल, वो अपना धासु। समझे ना? समझे। हाँ, और नहीं समझा होगा तो हम तुम्हारा साख्ता उड़ा देगा और उसको ये बना देगा। ये अच्छा अब हम बाहर जाता है। ओ मानुषगन मानुषगन खोदा पहाड़ और निकला चूहा। देखो मैं उस्ताद के काम से बाहर जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। ठहरो ठहरो भाई ठहरो ठहरो, मैं ऑफिस को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ क्यों? यहाँ कोई नहीं है। अरे कोई कैसा नहीं? सब लोग तो मौजूद है। हम है ये नहीं नहीं बिल्कुल ऑफिस अकेला है। तमाम कीमती सामान मेज में रखा हुआ है। कोई वॉचमैन नहीं है, यानी कि हिफाजत करने वाला नहीं है। अरे वॉचमैन के अभी उस्ताद आने वाले हैं, अगर वो काम नहीं किया तो तेरे को आदमी से मुर्गा, मुर्गे से बटेर, बटेर से पावसेर बना देंगे। पावसेर? अरे फिर तो बहुत वजन घट जाएगा। अच्छा मैडम गॉड सेव यू, टाटा। ए मेम साहब तुम उधर क्या देखता है? डोंट वांट टू टॉक टू यू। अच्छा तुम हमसे बात नहीं करने होता, हम समझ गया। वो तुमसे कह दिया कि तुम हमसे बात नहीं करे। अरे वो छोटा मोटा मट्टी का लोटा तुम्हारा नुकसान करेगा, हमसे बात करो हम तुम्हारा फायदा करेगा। आओ अपन मोहब्बत लव करेगा लव। अरे धासु अरे भाई। हाँ बाबा ये काम तो बाद भी होता रहेगा। सुनो वो घर वाला भैया मिला था रस्ते में। हाँ रस्ते में, कहता था कि 5 महीने का किराया हो गया है, वो दे दो वरना भाईजान लात मार के घर से निकाल दूंगा। अब मैं ये कहता हूँ कि पैसे का इंतजाम करो, अगर नहीं हुआ तो ये सब कारोबार चौपट हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात है, है? नहीं, नहीं, I'm sorry, मगर इसमें हम क्या करें? रुपए का इंतजाम करो, कहीं से भी करो। अरे हम कैसे करें? फिर आपको जो हमने अपना एडवाइजर बनाया है, रिपोर्टर एडिटर पर्पर सब बनाया, ये किस लिए बनाया है? डर बना दिया मुझे, मगर मैं जो कहूंगा वो तुम नहीं मानोगे। अरे भाई मैं कहता हूँ चोरी करो, मोहन के कमरे में चले जाओ और आज रात को सब माल सफा करके ले आओ टेबल पर। ना रे बाबा ना, चोरी ये धंधा अपने बाप दादा ने नहीं किया, अपन भी नहीं करना। चोरी करना पाप है पाप। और अब तक जो हुजूर कर रहे थे वो क्या सब पुन था? सरकार ये तो 4 पैसे कमाने का ढंग था। चोरी पाप है पाप। पाप है या तेरा बाप, मैं कहता हूँ रुपए का इंतजाम करके लेकर आओ फौरन। उस्ताद 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 कुछ नहीं, रुपए का बंदोबस्त करके लाओ मैं कहता हूँ, और आज ही ये काम हो जाना चाहिए। क्या समझे? समझा। हाँ बाय 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 बाय। आज रात को ही। ओह आज रात को। हाँ फटें। हम मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाएंगे? छोड़ो इस गोरख धंधे को, लो चाय पियो। बेकार मामूली आदमियों के पीछे परेशान रहते हो। ये तो वक्त बता देगा कि वो मामूली आदमी है या खतरनाक। वक्त बताए ना बताए लेकिन तुम जरूर बता रहे हो। हमारा सरकारी रुपया बेकार खामखा इस होटल में बर्बाद कर रहे हो। सरकारी रुपया पब्लिक की भलाई के लिए होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ऐसे लोगों को आजाद छोड़ दिया जाए तो इसमें पब्लिक का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो ठीक है। मेरे ख्याल की ना पूछो, मेरा ख्याल तो ये भी है कि बहुत जल्द ये बटवा चोरी होने वाला है, मगर होने नहीं दूंगा, ये चुराया जाएगा। अच्छा तो आजकल आप ज्योतिषी भी बन रहे हैं? अगर यकीन न हो तो मेरे कमरे में रहकर देख लो, पता चल जाएगा। ना भाई ना, मैं इस झमेले में पड़ने वाला नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। ओ
बूटी भ्रमित तेल उल्टे मस्तक के हैं खेल, दिमाग फेल फेल। हा हलवा लाओ मुझे खिलाओ, भूसा जाओ और भेजा आ जाओ। अबे ओ फांसू। अरे वाह उस्ताद, छत पर उल्टा चल रहा हो, ये नया फन खूब सीखा है। मैं कहता हूँ सिराओं के नीचे आ जाओ वरना गिर पड़ोगे। जब देखो कुछ ना कुछ ये करता ही रहता है। अब एक गधे के सींग, ये उल्लू बना हुआ क्या कर रहा है तू भाई? योग आसन है उस्ताद, दिमाग में ब्रेन लाने का नया फार्मूला। इससे दिमाग का भूसा चला जाता है और दिमाग में नई रोशनी आ जाती है उस्ताद। नई तरकीब है, नया आर्ट है, नई टेक्निक है, तुम भी सीख लो। अबे उल्टी खोपड़ी, इस काम के लिए मैंने भेजा था उसे पूरा करके आया है कि नहीं? ओफो क्या गड़बड़ है उस्ताद। मैं कहता हूँ मैं उस वक्त ऑफिस में नहीं था, अब बताओ क्या बात है? तुम सारे दिन ऑफिस के होकर न जाने क्या करते रहते हो। मैंने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो रुपए लाए हो या नहीं बताओ? कहाँ है वो धांसू मुर्गी का अंडा, मैंने भी उस्ताद गाड़ दिया है झंडा। ए रुपया ये लो रुपया। अरे जरा संभाल के भाई, यहाँ रख, अगर टाइपस ने देख लिया तो महीने की तनख्वाह एडवांस मांगेगी। हाँ बिल्कुल सही। ओ मानुषगंज मानुषगंज मानुषगंज। हाँ उस्ताद की जय हो उस्ताद। दीघा की सफाई बड़ा तीस मार खान बना फिरता था, ले लीजिए। तो 20,000 वाला माल है? माल है माल, बंटवारा हो जाए। शाबाश शाबाश, हो जाएगा अभी। हेलो हेलो, मैं हूँ मोहन, मिस्टर ढांसू है। मैं चंदू हूँ। क्यों मोहन भाई, कैसे हो? अरे भाई चंदू, रात को किसी ने मेरा बटुआ मार लिया है, बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी तमाम पूंजी उस बटुए में थी। ओहो बड़े अपनी बात है। है तो, मगर अब क्या किया जाए। तुम तो जानते हो कि मैं यह बिजनेस के लिए आया हूँ और रुपयों की जरूरत किसी वक्त भी पड़ सकती है। दो चार रोज के लिए अगर सिर्फ 200 रुपये उधार दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने घर पर टेलीग्राम कर दिया है, रुपए आते ही लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, जरा एक मिनट ठहर जाओ। कहता है कि रात को किसी ने मेरा 20,000 वाला बटुआ मार लिया। अब 200 रुपए लिख कर्ज मांग रहा है। अरे तो 200 रुपए लिख दे दो ना उस्ताद, रुपए जाते गांव सूद के साथ वापस आ जाएगा। फटाई फटाई उस्ताद दे डालो, बेचारा कड़का हो गया। हेलो। कोई बात नहीं भैया, मैं अभी 200 रुपए भिजवा देता हूँ। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि इसी के पैसे में से 200 रुपए भिजवा दिए जाए। नहीं उस्ताद, अगर उसने इस नोट के नंबर नोट कर लिए होंगे तो सब के सब बड़े घर पहुंच जाए उस्ताद। उस्ताद ऐसा क्यों नहीं करते, जो रुपए मैं लेकर आया उसमें से दे डालो। ये भी अच्छा है। ठीक है, मगर रुपए लेके कौन जाएगा? ये ले जाएगा, मैं तो अभी जाकर आया हूँ। अरे वाह बहुत अच्छे, वो नए चपरासी की हजामत करने के लिए रखा है। अरे तुम दोनों झगड़ते क्यों हो यार, बुला लो उसे। आवाज देखा राव जी, जल्दी आओ। ये लो उठा लो रुपए दोस्त के हाथ में। अभी देख बात इधर आ, चल। कहाँ दिया? सुन बात, देख मरीना होटल रूम नंबर 419 में मोहन बाबू को जाकर ये 200 रुपए दो। हाँ। और लपक कर वापस आ, रसीद लेके आना। हाँ। अब जल्दी से बंटवारा हो जाए। हाँ। हो जाए, शाम को फिर नहीं जाना है। मेरे को उस्ताद अगर आपसे गिने नहीं जाते तो हम लोग गिन ले आता। अबे ये तुम नोट लाए हो, ये तो सादे कागज है। उस्ताद आपने तो कमाल कर दिया। अरे देखा देखी नोटों को कागज बना दिया प्लेन। ये उस्ताद अगर ये हुनर आप हमें सिखा दें तो हम उम्र भर तक आपके शागिर्द रहेंगे। अबे थासू के बच्चे, धोखा हुआ है हमारे। अरे उस्ताद अब गड़बड़ मत करो, चल के उस गणपत को पकड़ो वरना 200 भी जाएंगे। हाँ। जल्दी करो। अबे भागो दोनों, जल्दी भागो। मिस्टर सलीम। हाँ जी। कल कोर्ट गए थे? हाँ जी। 417 नंबर केस का क्या हुआ? 15 तारीख पड़ गई है। नहीं आता कि उसके एहसान का बदला कैसे चुकाऊं। आप उसकी फिक्र न कीजिए। बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हो? जी कुछ भी तो नहीं। शायद तुम्हें रोशन का इंतजार है, मैंने कहा था ना वो लड़का अच्छा नहीं, उससे ज्यादा मिलजुल न बढ़ाना, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है पिताजी, दुनिया ने उसे बुरे रास्ते पर डाल दिया है, कोई कोशिश करे तो वो अब भी सुधर सकता है। नहीं बेटा, बुराई की तरफ उठे हुए कदम मुश्किल से वापस आते हैं। शादी से पहले तुम्हारी माँ भी यही कहती थी, मगर उसके आंसू, सेवा, कुर्बानी कोई चीज भी मुझे सुधार न सकी। लेकिन रोशन मेरी किसी बात को नहीं ठुकरा सकता, उसने मुझसे वादा किया है। दिल के हाथों खिलौना न बनो सीमा,
रोशन ऐसे वादे कई लड़कियों से कर चुका है। नहीं पिताजी, रोशन धोखेबाज और फरेबी नहीं है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती बेटा, और रोशन आज भी दूसरी लड़कियों से मिलता है। लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, कोई बाप अपनी औलाद को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। वादा करो कि तुम रोशन से नहीं मिलोगी। पिताजी। बेटा, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तुम्हारी माँ के दिल को ठेस पहुंचे। रोशन। माला, अरे तुम कब आई पुणे से? किसी वक्त तो सीधी तुमसे मिलने चली। ये बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया, कुछ भी तो नहीं। क्यों? चलिए चलिए, एक मैं हूँ कि तुम्हारे ही सपने देखती रही, तुम हो कि मेरे खतों का जवाब तक नहीं दिया, बेवफा कहीं के। अच्छा अच्छा, ठहरो मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर घर चल के इत्मीनान से बातें होंगी। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे जाने दीजिए, बाहर टैक्सी में माता जी मेरा इंतजार करेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। लेकिन सुनो तो, मैं तो समझ बैठा था कि तुम नहीं आओगी। अब शायद मैं कभी ना आ सकूं। क्या मोहन की दौलत ने गरीब रोशन की मोहब्बत को खरीद लिया? रोशन, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। कहो। मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं तुम जैसे आवारा और अवाश आदमी से मिलूं। यही कहना चाहती हो ना तुम? मुझे इस नाटक का ड्रॉप सीन पहले ही से मालूम था। ये बात नहीं रोशन, तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। उनकी सिर्फ यही तमन्ना है कि जो सुख उन्हें ना मिल सका वो मेरी मां का सिंदूर बन जाए। मैं भी कितना पागल हूँ कि ये समझ बैठा कि वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तो क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं? यकीन? दिल तो मानता है। क्या सोचने लगी? सोचती हूँ अगर मैं तुम्हारे लिए किस्मत से लड़ूं और हालात से टकराकर जिंदगी का रुख बदलने की कोशिश करूं तो। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से टकराने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। वादा करो कि अब तुम कभी शराब नहीं पियोगे, जुआ नहीं खेलोगे। ये वादे तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, मगर क्या तुम? रोशन, मुझ पर यकीन करो। सीमा, आज तुम्हारे कारण मुझे एक नई जिंदगी मिली है, मगर मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, मेरा इंतजार करोगी? जा
कैसी? आज हम बहुत खुश हैं। भासु, डियर भासु, उठो जरा उठो। क्या है? उठो प्यारे, अपने क्लोरोफॉर्म का लव लेटर है, जरा रीड कर दो ना भाई। उठो प्यारे, तुम्हारा लव लेटर तो हम क्यों रीड करें? ओ प्लीज पार्टनर पार्टनर। अजीब मुसीबत है। तुम्हारा लव लेटर अगर हम पढ़ेगा तो हमको तो सब मालूम पड़ जाएगा क्या लिखा है। बात पते की है फिर? तरकीब आ गई, मैं तुम्हारे कान बंद कर देता हूँ, फिर तुम रीड करो, तुमको सुनाई नहीं देगा। ए ये देखो इस तरीके से। हाँ आइडिया अच्छा है। हाँ सुनो। हाँ डियर फासु, जब से तुम्हारा मनु सूरत देखा है दोनों वक्त पेट भर के खाना मिल जाता है। ओह वेरी गुड। और जब कोई गधा नजर आता है तो तुम्हारी सूरत बगैर परमिट ही याद आ जाती है। मेरा दिल ऊपर नीचे होता है। ओह वेरी सॉरी, हम इतनी दूर से क्या कर सकते हैं डियर, तुम इलाज कराओ। और हाँ मगर किसी डॉक्टर का आगे पढ़ो सुनते क्या हो? बस अभी नहीं पढ़ते यार। भाई लव लेटर है, प्लीज लव लेटर है। अरे हमारा दिल नहीं चाहता पढ़ने के लिए। ओ, मगर दोस्त ये लाइफ एंड डेथ का मामला है, ये लव लेटर है, प्लीज रीड करो। रीड करो प्लीज। अच्छा सुनो। हाँ आगे लिखा है, डियर फासु, बहुत दिनों तक मैं तुम्हारे गम में रात रात भर नहीं सोया, नहीं खटमल मारती रही। वेरी गुड। मगर हाय मोहब्बत तुम नहीं आया। ओह माय डियर वेरी सॉरी, तुमने मेरी मोहब्बत में क्या क्या बहादुरी दिखाई कि पुराने जमाने के लैला और शीरीन ने भी नहीं दिखाई होगी। पढ़ो आगे, पढ़ो भाई आगे पढ़ो। डियर फासु, ठहरो ठहरो, कान कान प्लीज कान। थैंक यू। डियर फासु, तुम्हारा लव ने मुझे बहुत सताया, 4 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली और फिर तुमने भी कोई खबर नहीं ली। ठीक बिल्कुल ठीक। इसलिए अब हम एक पांव वाले से लव करना शुरू कर दिया है। हम बहुत खुश है कि सुबह सुबह ठंडी ठंडी चाय और गरम गरम पाव खाने को मिलता है। दुआ करो हमारा ये लव सक्सेस हो जाए और हमारा लव मैरिज हो जाए। मैरिज? पांव वाले से? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, प्लीज रॉन्ग, अगेन रीड, प्लीज अगेन रीड। अच्छा अच्छा सुनो सुनो। डियर, तुमने जो पाव वाला का लव मैरिज सुना था वो बिल्कुल रॉन्ग, गलत है। वेरी गुड वेरी गुड, राइट राइट। तुम मालूम होता है मैट्रिक फेल ग्रेजुएट। हम बराबर पढ़ा? अरे बिल्कुल बराबर पढ़ा। थैंक यू थैंक यू। घंटी गन घंटी घंटी गन घंटी गन। हेलो, रहा था वो मैं पढ़ रहा था लव लेटर। हाँ इसको वो क्लोरोफॉर्म का है। अबे ये लव लेटर नहीं है, ये क्लोरोफार्म का 4 महीने का नोटिस है जो उसे तनख्वाह नहीं दी है। अब झगड़ो नहीं, वो खाता लाओ जाओ। हाँ जल्दी जल्दी कर। ये लो हरा खाता, इधर से आता और इधर से जाता। तो सीधा तो पहले रख, इधर से आता इधर से जाता। गला जी 12,000 रुपए होंगे साहब। 12,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है, जरा कम कीजिए। ये क्या कम है कि हम सेल टैक्स नहीं लेते? सेल टैक्स? हाँ मगर आपको किसको हिसाब देना है साहब? साहब रियायत नहीं हो सकती है, खुशी हो टेक, खुशी हो नो टेक। बहुत अच्छा, तो मैं भिजवा देता हूँ पैसे। बड़ी मेहरबानी। सेठ जी जरा रोक रहे हैं? बिल्कुल रोक रहा था, बिल्कुल रोक। जल्दी जल्दी मैंने कहा वो डॉक्टर आनंद कहाँ है? अरे वो तो एक बहुत बड़े हार के पीछे लगे हुए हैं, पार्टी में गया पार्टी में। अच्छा सुनो और से सुनो। खाड़ी वाले मकान के पास माल पड़ा है जी, कुछ सिगरेट के डब्बे हैं, खड़िए हैं, फाउंटेन पेन है, ग्रामोफोन है, माल है। आए, आए। वो वहाँ से उठाकर अपनी जगह पर पहुँचाना है। जरूर। मैं मालूम है जहाँ पहुँचाना है। माल पहुँचाने के बाद माल लेकर आना ये। क्योंकि खास आदमियों की जरूरत है इसलिए तुम दोनों को जाना पड़ेगा और साथ में डॉक्टर आनंद को जरूर ले जाना। जरूर जरूर। भासु भासु चलो। तो डरा दिया आपने तो। सच? और नहीं तो क्या, झूठ? मेरी माता जी नहीं आई? नहीं तो लो, मुझे यहाँ आने को कहा और खुद नहीं आई? तो बैठ जा थोड़ी देर, कहाँ तो आ जाएगी। अच्छा सीमा, मैंने माता जी को अपना हमख्याल बना लिया। किस मामले में? शादी के। सच? हाँ, बस 1-2 दिन में मेरी माँ तुम्हारी माता जी से मिलने वाली है। लो, शादी तुम्हारी और रूप की हो रही है और मिल मेरी माँ से रही है। अच्छा जी, तो अब आपने अपना नाम बदल कर रूप रख लिया? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। समझ जाओगी। मगर मोहन। अगर मगर कुछ नहीं, तुम्हीं ने तो कहा था कि शुभ काम में देर न होनी चाहिए। लेकिन मैंने तो रूप के बारे में कहा था। अच्छा मजाक है मोहन, मैं रोशन से शादी कर रही हूँ। रोशन? तुम रोशन से शादी कर रही हो? उस आवारा से? शादी के बाद आवारा नहीं रहेगा,
तो तुम उससे मोहब्बत करती हो? हो गई। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? वो कभी नहीं सुधर सकता। कोई कोशिश करे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट सकता है। अगर ये बात थी तो तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? पहले क्यों ना बता दिया कि ये सब बनावट थी? मुझे गलत ना समझो मोहन, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अच्छे खानदान से हो, तुमसे तो कोई भी लड़की शादी करना पसंद करेगी। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और किसी से नहीं कर सकता। तो क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो कि मैं तुम्हारी बीवी होते हुए किसी और से मोहब्बत करूं? लेकिन तुम्हें रोशन से मोहब्बत नहीं, हमदर्दी है। कुछ भी समझो, मैंने फैसला कर लिया है। अच्छी बात है, लेकिन इतना याद रखो, अगर जमाने की ठोकर तुम्हें अपने रास्ते से हटा दे तो वापस चली आना, मेरी मोहब्बत में कोई फर्क ना पाओगी। शुक्रिया। बेटा मोहन, सीमा नहीं है? जी वो आगे चली गई, आप आइए ना। चली गई होगी किसी सहेली के घर। तुम्हारी माता जी हैं? बाहर गई है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। तुम्हारी माता जी आए तो कह देना कि मैं आई थी। जरा सुनिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर आपको बताना मेरा फर्ज है। सीमा कह रही थी कि वो रोशन से ब्याह करना चाहती है। रोशन से ब्याह? कौन रोशन? वो तो नहीं जो नुमाइश? हाँ हाँ वही। नहीं बेटा, सीमा मेरे विश्वास को धोखा नहीं दे सकती, मेरा दिल नहीं मानता। फिर भी मैं आज उससे पूछूंगी। कहाँ जा रही है बेटा? माँ, एक सहेली के यहाँ जरूरी काम से जा रही है। अभी तो सहेली के घर से आई है। जरा ठहर, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। माँ तुम ये खत पढ़ो, मैं अभी आई। बात तो सुन, अभी आती हूँ माँ। माँ, जो बात मैं जबानी ना कह सकी वो इस खत में लिख रही हूँ। मैंने बहुत सोच समझकर अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। मैं रोशन को अपना जीवन साथी बना रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ। कितनी सुहानी रात है, जिंदगी हसीन कलियों की तरह मुस्कुरा रही है, और तुम न जाने खामोश बैठी क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि ये सुंदर सपना कहीं टूट ना जाए। इसका मतलब ये हुआ कि तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? तुम पर विश्वास ना होता तो तुमसे मिलने क्यों आती? फिर ये बहकी बहकी बातें क्यों करती हो? सच बताओ, मेरा दिल किसी खौफ से बेचैन हो जाता है। खौफ किस बात का? मैं तुम्हें शादी का कॉल दे चुका हूँ, तुम्हें अपनाने का फैसला कर चुका हूँ। और अगर तुमने अपना फैसला बदल लिया तो? ऐसा ना कहो, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें अपने सपनों की रानी समझता हूँ। मर्दों का क्या एतबार, दिल भर गया आंखें फेर ली। तुम्हारी जगह कोई दूसरी लड़की नहीं ले सकती माला, मैंने सोते जागते तुम्हारे ही सपने देखे हैं। जिंदगी में तुम्ही से मोहब्बत की है, तुम्हें चाहा, सिर्फ तुम्हें। किया माँ, थोड़ी देर तो मेरा इंतजार कर लिया होता। तुम ठीक कहती थी, तुमने दुनिया देखी थी, तुम सच्ची थी, मैं गलती पर थी। अब मैं क्या करूं, इतनी बड़ी दुनिया में अब मेरा कौन है, कौन मुझे रास्ता बताएगा? माँ वापस आ जाओ माँ, अपनी सीमा की गलती को माफ कर दो माँ, अपनी सीमा की गलती को माफ कर दो। माँ इतने बड़े घर में अकेले तुम्हारा दिल लग जाता है? अकेले क्यों बेटा, तुम हो, ईश्वर की कृपा से अशोक है। मैं तो सारा दिन काम पर रहता हूँ और अशोक स्कूल में। तो क्या हुआ? नहीं माँ, फिर भी कोई ना कोई तुम्हारा हाथ बटाने वाला होना ही चाहिए। पहले साफ साफ बताओ मतलब क्या है। थोड़े दिनों के लिए सीमा को यहीं बुलवा लो, बेचारी अकेले घबरा गई होगी। मैं भी यही सोच रही था। अच्छा ले आऊंगी जाकर उसे। भैया भैया
वुड पॉलिश देखने ले चलो, बड़ी अच्छी पिक्चर है। अच्छा जरूर ले चलेंगे। कैसे जाऊं, ये घर कैसे छोड़ूं? वो भी तो तेरे ही घर है बेटी, यहाँ रहेगी रो रो कर सेहत खराब कर लेगी। चल कुछ दिनों के लिए वहां चल, अगर जी घबराए तो वापस आ जाना। मगर चाची जी नहीं मानता। जवान लड़की, दुनिया की जबान ऐब लगाने से नहीं चुकती। मारने वाले का हाथ रोका जा सकता है मगर कहने वाले की जबान नहीं पकड़ी जाती। तू मुझे अपनी माँ समझ, चल मेरे साथ चल। ये है तुम्हारा कमरा, मैंने तुम्हारी जरूरत की सब चीजें यहाँ रखा दी। जी शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का, इसे अपना ही घर समझो। कपड़े वगैरह बदल कर नीचे आ जाओ, खाने का वक्त हो गया। जी मैं खा चुकी हूँ, आप लोग खा लीजिए। छूट तो नहीं कह रही, कहीं भूखी मत रह जाना। एक दो दिन की तो बात नहीं चाची जी, अब तो इसी घर में रहना है। अच्छा अच्छा आराम करो।
हाजिर है। आप, आपने क्यों तकलीफ की? मैं नहाने से पहले कुछ नहीं खाती। खाइए मत, पी लीजिए। इसके पीने से बदन में चुस्ती आती है, सर्दियों में गर्मी पहुंचाती है और गर्मियों में सर्दी पहुंचाती है। देर मत कीजिए, जल्दी पी लीजिए। अभी तो माफ रखिए, मैं नाश्ते के साथ पी लूंगी। बहुत अच्छा। अच्छा, तो आप यहां विराजमान हैं? हां भाई, याद है, ये लो। अरे भाई गिन तो लो। हाथ तुले हुए। अरे हाँ चंदू, तुम्हें मालूम है वो किशोर खंडवे वाला जिसने अपने होटल में प्रोग्राम दिया था छन छन बजे रुपया, वो कौन है? कौन है? सीआईडी इंस्पेक्टर मोहन। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, कोई नई सुनाओ। तो हाँ भाई, नई भी सुनो। मोहन के छोटे भाई को स्कूल से वापसी पर गायब करना है। फायदा? फायदा किशोर खंडवे वाले को बहरूप भरने का इनाम। कहीं ये सौदा महंगा ना पड़े। भाई हमें हमारा काम हर हालत में पूरा करना है। वैसे तो मैंने जगह और वक्त दोनों तब्दील कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मोहन को कहीं पता लग जाने से वो छापा मारे तो हम उसके छोटे भाई को सामने रखकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये बात है। हाँ अच्छा, तुम अपनी सुनाओ, बख्शी का कुछ पता चला? चल गया, वो आजकल जेल में। जेल में? और बच्चा? बच्चे का पता नहीं। तुम मिले नहीं उससे? वो दो दिन के बाद जेल से निकलने वाला है, और पहले मैं उसे इसलिए नहीं मिलना चाहता कि वो कोई बहाना न बना ले। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं चूहे को बिल में से निकलने के साथ ही पकड़ लेना चाहता हूँ। अच्छा आओ चले। तीर का वार बचाना जी, नैनू के तीर का ठोकर ना खाना बाबू जी, ओ भोले भले दिल को बचाना बाबू जी, ओ दिल वाले दिल है निशाना, नैनू के तीर का वार बचाना जी, नैनू के तीर का। नैनू के दी
तीर का वार बचाना जी नैनू के तीर का ठोकर ना खाना बाबूजी ओ भोले भाले दिल को बचाना बाबूजी ओ दिल वाले दिल है निशाना नैनू के तीर का वार बचाना जी नैनू के तीर का ये चिड़िया मेरे हाथ से उड़ गई पर काट दिए होते तो ना उड़ सकती कोई बात नहीं पर भी कट जाएंगे मैं इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं छोड़ो यार इन बातों को लोपियो परवर बाद में काटते रहना अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं क्या तुम्हारे दिल में रोशन के लिए अब भी वही जगह है मुझे उस नाम से नफरत हो गई है सिर्फ नाम से या कुछ भी समझिए मुरझाए हुए जख्मों को कुरेदने से क्या फायदा सीमा इंसान उसी का दुख दर्द बांटना चाहता है जिसे वो अपना समझता है तुम जब से यहां आई हो मैंने हर तरह तुम्हें हंसाने की कोशिश की मगर तुम्हारे होठों की रूठी हुई मुस्कुराहट पूरी तरह वापस ना सकी मैं चाहता हूं तुम सो नाचो और गाओ सीमा अगर मेरे बस में होता तो मैं जमाने भर की खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल देता परेशान मालूम होती है नहीं नहीं तो यूं ही नींद नहीं आ रही गुजरे हुए जमाने की याद सता रही उसे भूल क्यों नहीं जाती गुजरे हुए आने वाले जमाने के बारे में सोच रही हूँ इसमें सोचने की क्या बात है तुम अगर चाहो तो सारे संसार की खुशियां तुम्हारे कदमों पर निछावर हो सकती हैं मगर तुम खुद ही उनसे दूर भाग रही हो मैं किसी से दूर नहीं भागती मेरे ही नजदीक कोई नहीं आता मैंने जिसका सहारा लेना चाहा, वो ही मुझसे दामन छुड़ाकर अलग हो गया मैं बहुत बुरी हूं ना मोहन आज तक किसी को कोई सुख ना पहुंचा सकी ये तुम्हारी भूल है तुम जानबूझकर अपने आप को धोखा दे रही हो अपने दिल के अरमानों को धोखा दे रही हो इंसान वही है जो ठोकर खाकर संभल जाए मेरी समझ में नहीं आता मगर तुम समझने की कोशिश भी तो नहीं करती सीमा मैं तुम्हें मोहब्बत का फरेब देना नहीं चाहता मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारी उजड़ी हुई जिंदगी फिर से आबाद हो जाए तुम्हारी आशाओं के चमन में फिर से बाहर आ जाए सीमा क्या तुम अपने दिल में मेरी मोहब्बत को जरा सी भी जगह नहीं दे सकती मोहब्बत ये मैं नहीं जानती मोहब्बत क्या है अगर मोहब्बत का दूसरा नाम जिंदगी की भूल है तो मैं इस भूल को दोहराने से डरती हूँ लेकिन सीमा नहीं खाली झूला खिला रही हो बेटी जी जानती ही हो कौन सा झूला है जी नहीं मेरे घराने के फूल इसी बाग में खिलते आए हैं बहुत दिनों से सूना पड़ा था ये सोचकर यहां मंगा लिया कि फिर से आबाद हो जाएगा बहू के मेहंदी लगे हुए हाथ से झुलाएंगे तो मेरी आशाओं की फुलवारी में बाहर आ जाएगी मैंने एक हंसते खेलते फूल का सपना देखा था मगर जान पड़ता है कि सपना सपना रह जाएगा
ऐसा न कहिए चाची जी, वो दिन भी आ जाएगा, देखो कब आता है। सीमा, इसमें मां की आशाएं झूलती हैं। सीमा आओ दोस्त, तुम्हारा ही इंतजार था, चिड़िया के पर काटने की तरकीब सोच ली है। तरकीब वरकीब बाद में बताना, पहले कुछ खाने पीने की बात करो। पहले सुनो तो, सीमा को घर पर बुलाकर इस काबिल ही न छोड़ूं कि वो मोहन के पास जा सके। लेकिन टक्कर मोहन बाबू से है, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ऐसे बहुत मोहन देखे हैं, आखिर किस बहाने बुलाओगे? जब मोहन घर पर न हो, सीमा को फोन किया जाए कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, फलां जगह चले जाओ, भागती हुई आ जाएगी। मान गए दोस्त, मान गए। तब चाय का ऑर्डर हो जाए। बॉय, चाय लाओ। हाँ, अशोक स्कूल से अभी तक नहीं आया। फिक्र की कोई बात नहीं, किसी दोस्त के यहाँ गया होगा, जल्दी आ जाएगा। बगैर पूछे तो कहीं जाता नहीं, स्कूल से सीधा घर आता है। खैर, जब अशोक चला जाएगा तब तुम क्या करोगी माँ? ये अमानत है, आज नहीं तो कल उसे जाना ही है, बख्शी जेल से छूटते ही उसे ले जाएगा। यही तो मैं भी सोचती हूँ, घर सुना हो जाएगा, कितना घुल मिल गया है। क्या किया जाए, मजबूरी है। इसीलिए तो कहती हूँ जल्दी से ब्याह कर ले। सीमा कहाँ है? तुम लोग कहीं बाहर जा रहे थे ना? हाँ माँ। हाँ हाँ, सब इंतजाम मुकम्मल हो चुका है, सब आदमी अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। कब आएंगे मेरे भैया? आते ही होंगे बेटा, घबराओ मत, अभी आ जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे घर जल्दी जाना है, मुझे घर पहुंचवा दो। घर जाना चाहते हो जी? अच्छा, अकरम इन्हें अपनी जगह पर पहुंचा दो, समझ गए ना? जाओ ले। कौन था ये बच्चा? मोहन का छोटा भाई। ओ, वो था? हाँ हाँ, हमारी शतरंज का मोहरा, जिसे हम सामने रख के जरूरत पड़ने पर मोहन को कभी भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। बड़े चालाक हो तुम, फिर वो प्रोग्राम तुम्हारा पक्का है ना? बिल्कुल, मगर तुम तैयार हो ना? नहीं भाई, मैं नहीं चल सकूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हें मालूम है ना कि आज बख्शी जेल से निकलने वाला है। हाँ हाँ। और मैं उससे निकलते ही दबोच लेना चाहता हूँ। ऐसा? अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। सॉरी। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। ओके। साहब, चोट तो नहीं आई? सरकार, तुम मुझे माफ कर दो सरकार, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, लोगों ने मुझे धोखे से बता दिया। निर्दोष का बच्चा, उठ, कहाँ है मेरा बच्चा? अशोक सरकार बिल्कुल सही सलामत है, पढ़ रहा है सरकार, सब काम उसी तरह हो रहा है जिस तरह आपने कहा था। लेकिन है कहाँ वो? इंस्पेक्टर मोहन के यहाँ सरकार, आइए चलिए। इंस्पेक्टर मोहन के यहाँ? जी सरकार, जेल जाते वक्त मैं उन्हीं को सौंप गया था और उनकी देखभाल वही कर रहे हैं। आइए चलिए। चलो, मगर ठहरो, मोहन को ये ना पता चले कि अशोक मेरा बच्चा है। मोहन बाबू तो क्या, अशोक को भी नहीं मालूम कि आप उसके बाप हैं। आइए चलिए सरकार। चलो। मैं अभी अशोक को लेके आता हूं। नमस्ते मोहन बाबू। कुछ पता चला? अरे बख्शी, तुम? जी सरकार, मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ। बैठो बैठो। नहीं सरकार, मेरे पास बैठने के लिए बिल्कुल समय नहीं, बच्चे का बाप आ गया है। इसमें घबराने की क्या बात है? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं सरकार, जरा बच्चे को जल्दी बुलवा दीजिए। असल में बच्चा कहीं गुम हो गया है, अभी तक स्कूल से वापस ही नहीं लौटा। गुम हो गया सरकार? कब, कैसे? अब क्या होगा सरकार, मैं बच्चे के बाप को क्या जवाब दूंगा सरकार? घबरा मत, मैंने चारों तरफ आदमी भेज दिए हैं।
चलिए साहब, सब तैयारी हो चुकी है। बख्शी तुम यहीं बैठो, मैं उसकी तलाश में जाता हूँ, अभी उसे लेकर आता हूँ। लेकिन सरकार। बैठो बैठो। कहाँ है अशोक? गुम हो गया सरकार। गुम हो गया? बकवास झूठ। याद रखो बख्शी, अगर मेरे साथ कोई चाल चली तो खाल खिंचवा दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सरकार, वो स्कूल से वापस ही नहीं लौटे। स्कूल से वापस नहीं आया तो क्या अशोक मोहन के पास रहता था? जी सरकार, मोहन बाबू उसे अपने छोटे भाई की तरह रखे हुए हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो मोहन बाबू का छोटा भाई है। छोटा भाई? जी सरकार। मोहन का? गजब हो गया, मुझे मालूम है कहाँ है अशोक। आओ बैठो, मैं गाड़ी बताता हूँ। यहाँ बैठे ताश खेल रहे हो, सामान अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचा? लारी ऐसे से चल चलते सामान अभी आता ही होगा। खाक आता ही होगा, तुम लोगों से कोई काम वक्त पर नहीं होता। जाओ रमेश से कहो बच्चे को लेकर मेरे पास आए। घबराओ नहीं, अभी बता देंगे। अकरम, इस बच्चे को 4 नंबर वाले कमरे में ले जाओ और तुम खुद बाहर जाकर पारे पर खड़े रहो। याद रखो, हमें हर तरफ चौकन्ना रहना चाहिए, टक्कर कोई मामूली आदमी से नहीं। जाओ। बहुत अच्छा, चलो चल तो रहा हूं। चलो भी। उस्ताद, जान हम जोखिम में डाल रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं और हिस्सा बटाने को चंदू, ये कहां की रीत है? पहले कुछ काम करके बताओ, वक्त आने पर उससे भी निपट लिया जाएगा। उस्ताद, मगर मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है, चंदू आखिरी वक्त बहाना बनाकर चला गया। हर आदमी के काम करने का तरीका अलग अलग रहता है, हमें उससे क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं उस्ताद, अगर वो पुलिस से मिलकर तुम्हें पकड़वा दे तो? वो मुझे क्यों पकड़वाएगा? अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए चंदू सब कुछ कर सकता है। तो फंटू भी वो गुड़ नहीं जिसे चींटियां चाट जाएं। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, अगर उसने हमारे साथ कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं उसे भी ठिकाने लगा दूंगा। भैया का बच्चा चुप है। गाड़ी मैंने जहां कहा वहां रखना और बंद मत करना। जाओ ले जाओ। बच्चा? मुझे नहीं मालूम। जान की सलामती चाहते हो तो बचाओ, बच्चा कहाँ? 4 नंबर में। अशोक, घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। सच? तुम मुझे भैया के पास ले जाओगे? हाँ हाँ बेटी, ले जाऊंगा भैया के पास। तो चलो। नहीं नहीं, अभी नहीं बेटी, तुम्हें नहीं मालूम वहाँ खतरा है, मुमकिन है गोली भी चले। गोली? हाँ हाँ गोली। तुम ऐसा करो कि यहाँ कहीं छुप जाओ और जब तक मैं तुम्हें आवाज नहीं दूं बाहर नहीं निकलना, समझे बेटी? हाँ जी। हाँ गजब हो गया, चंदू पुलिस ले आया। चंदू पुलिस को ले आया? जी हाँ। तुम लोग सब जल्दी से बत्तियां बुझाकर उस कमरे में छुप जाओ, मैं उससे खुद समझ लेता हूं। अकरम! अकरम, लड़का कहां है? फंटू, बच्चा मेरे पास है, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अब मुकाबला बेकार है। फंटू भी कच्ची गोलियां नहीं खेला, मुकाबला करना है तो सामने आओ। मोहन बाबू, गोली रोकिए, अशोक मेरी हिफाजत में है।
पिस्तौल मुझे दे दो। चलो आगे। क्यों चंदू, देखा बुरे काम का नतीजा? नहीं मोहन बाबू, मैं बुरे काम के लिए यहां नहीं आया था। मैं तो अशोक को बचाने के लिए आया था। आपको शायद नहीं मालूम कि अशोक मेरा बच्चा है। तुम्हारा बच्चा? हाँ मेरा बच्चा है। बख्शी ने जेल जाते हुए उसको आपको दे दिया था और आपने उसे बच्चों की तरह पाला है। मोहन बाबू, मुझे मालूम है कि आप उसे बच्चों की तरह रखेंगे। अगर मेरी किस्मत में हुआ और मैं जिंदा रहा तो उसे देख लूंगा। साथ वाले कमरे में उसे जरा बुला दो। सलीम, साथ वाले कमरे में से बच्चे को ले आओ। अच्छा भैया। अशोक। सलीम। हाँ जी। तुम बच्चे को घर ले जाओ। अच्छा जी। मैंने अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त करता हूँ। हेलो। मोहन साहब हैं? जी नहीं, वो अभी बाहर गए हैं। सीमा हैं? जी मैं बोल रही हूँ। आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। है? क्या कहा, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है? जी हाँ, मोटर से टक्कर हो गई है। पता है 108 हिल रोड बांद्रा। जी हाँ 108। हाँ जी जी, अच्छी बात है, मैं अभी आती हूँ। जी हाँ। देखो मोहन साहब, या माता जी आए तो उनसे कह देना मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं वहाँ जा रही हूँ, ये पता वहाँ लिखा है। लेकिन मैं तो बाहर जा रहा हूँ। अच्छी बात है, आकर बता देना। माँ, अशोक को सलीम ने घर पहुँचा दिया? अरे वो कब का पहुँच गया, आराम से सो भी रहा है। नमस्ते, कैसी तबीयत है आपकी? दया है आपकी, बच्चे का पूछने आया था, सोचा सीमा से भी मिल लूं, कहीं बाहर गई है, अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई? इतनी रात को सीमा कहाँ गई है माँ? मालूम नहीं, मैं तो अभी बाहर से आई हूँ, और घर में कोई नौकर का भी पता नहीं। मोती, सीमा देवी कहाँ है, तुम्हें कुछ पता है? उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया, वो वहाँ गई है। पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, मगर उनके पिताजी तो यहाँ है। ये पता दे गई, जरा दिखाइए मोहन बाबू। ये तो रोशन के घर का पता है, जहाँ वो आजकल रहता है। जरूर उसने कुछ शरारत की है। आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं भी आता हूँ। मोहन को जब मालूम होगा कि तुमने मुझे यहाँ इस तरह धोखे से बुलाया है, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस वक्त तक मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं रहने दूंगा जब तुम उसके पास वापस जा सको। चीखो चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। मोहन तुम आ गए, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। अशोक का क्या हुआ? मिल गया है, फिक्र की कोई बात नहीं, आओ चलें। फॉर मोर अपडेट्स लाइक कमेंट subscribe to our channel.